प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताते हैं, दो टेंस हम भी बता चुके हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम आपको पढ़ा चुके हैं। तीसरा टेंस आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन टेंस को आप पहचानोगे कैसे, कैसे अगर तुम्हारे सामने आ जाए, हम कोई बात लिखते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में, तो कैसे पहचानोगे ये कौन से टेंस का है, क्योंकि इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं, 12 होते हैं। तो उसकी हमने पहचान लिखी है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, अगर आ जाए तो वो वाक्य जो होगा वो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे हमने कुछ लिखे उदाहरण, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, मैं अपना कार्य देखो चुका हूँ, आ गया पहचान लो, देखो चुका हुआ इसमें है इसमें। इसी तरीके से पुलिस चोर को पकड़ चुकी है आ गया, देखो कहीं लिखा चुकी है चुका हूँ, यहाँ पर और लिख सकते हो चुकी है और लिख सकते हो चुका हूँ, ये भी लिख सकते हो, ये तो लिखा हुआ वह है, लेकिन चुकी है ये भी इसी में आएगा, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, दिख रहा है सबको। इसी तरीके से बिजली भाग गई है, ये आ रहा है, यहाँ पे मरीज की मात्रा लगी है, पहचान लो कि ये कौन सा परफेक्ट है। इसी तरीके से उन्होंने मुझे देख लिया है, ये आ रहा है, या आ रहा है, या है, समझ में आया सबके। और इसका नियम क्या बनाने के, सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले लाएंगे ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर लाएंगे हैज या हैव, अब हैज कहाँ लाएंगे, हैव कहाँ लाएंगे, हम आगे बताएंगे आपके लिए, फिर लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी लाएंगे, जोर से बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स जो भी है वो हम लेके आएंगे। ये जैसे मान लो पहला ही सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई के साथ आता है माई, पहला सेंटेंस देखो, आई आई के साथ आएगा है, क्या आएगा, मैं अपना कार्य कर चुका हूं, आई हैव डन, करने की है, डू होती है, यहाँ आएगी थर्ड फॉर्म डन, क्या आएगी, आई हैव डन अपना माई होमवर्क, माई मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, ये ऐसे बना, आई के साथ आया है, और ये आ गई तुम्हारी थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ गई, डू होती है फर्स्ट फॉर्म, जो होती है थर्ड फॉर्म। तो ये वाला सेंटेंस बनेगा, आई हैव डन माई होमवर्क। अब जैसे पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, ये कैसे बनाओगे, पुलिस द पुलिस हैज कॉट, कैच मैन पकड़ना, कैच मैन क्या होता है, तो इसकी थर्ड बार हो जाएगी कॉट, द पुलिस हैज कॉट इसको चोर को, चोर की अंग्रेजी क्या होती है, थीफ, द पुलिस हैज कॉट द थीफ, चोर को पकड़ चुकी है। अगला है बिजली भाग गई, ये कैसे बनाओगे, द इलेक्ट्रिसिटी हैज गोन आउट, गो मानी जाना, अब गो का हो जाएगा गोन थर्ड फॉर्म में, द इलेक्ट्रिसिटी हैज गोन आउट, उन्होंने मुझे देख लिया, कैसे बनाओगे, ही हैज सीन मी, उन्होंने मुझे देख लिया। इसी तरीके से अब हम आपको एक स्ट्रक्चर मेथड से बताते हैं इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, समझ रहे हो, ज्यादा दूर। तो यहाँ पर दिए, देखो फर्स्ट फॉर्म के दिए हैं, सिंगुलर वाले सिंगुलर फॉर्म के दिए हैं, ये सारे दिए हैं, ही सी इट दिए हैं, ये फर्स्ट पर्सन, और इसमें दिए देखो प्लूरल है सब, आई वी यू दे, ही के साथ हैज आएगा हमेशा, जैसे यहाँ पर आया था, या आई के साथ हैव आया, देखो आई के साथ क्या आया है, ही के साथ क्या आएगा हैज, सी के साथ क्या आएगा हैज, इसके साथ क्या आएगा आई के साथ हैव, बी के
के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव। अब देखो बनाते हैं हम एक सेंटेंस लेते हैं। एक वर्ड ले लिया हमने यू के, क्या ले लिया किचन, किचन पानी होता है खाना, क्या होता है इसमें, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईट होती है और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ये कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, बोले हिंदी में बोल रहे हैं हम, वह खाना खा चुका है, चुका है आ गया इसमें, कैसे बनाएंगे वह खाना खा चुका है। तो देखो बहुत आसान है, इस स्ट्रक्चर से बहुत आसान हो जाएगा तुम्हें समझना। ही हैज ईटन, वह खा चुका है, इसका मतलब क्या होगा, वह, अब हम बोले वह एक सेब खा चुका है, वह एक सेब, कल आप लोगों के यानी यहाँ क्या बटा था, अमरूद बटे थे, उसे बोलते हैं गुआवा, क्या बोलते हैं, तो एक एक मिला सबको है। यहाँ पर हमने एप्पल ले लिया, एन एप्पल, एन मानी एक, क्योंकि ये बॉबिल है इसके साथ एन आया है, अगर गुआवा होते होता तो माँ क्या लगाते हम, ए लगाते आ गुआवा, लेकिन यहाँ पर लिखा एन एप्पल, एन एप्पल का मतलब एक सेब। तो सुनो, ही हैज ईटन एन एप्पल, इसका मतलब हिंदी में वह एक सेब खा चुका है। अब हम कहें वह लड़की एक सेब खा चुकी है, वह लड़की, उसे बोलेंगे सी हैज ईटन एन एप्पल, समझ में आया सबके, इस तरीके से बनेंगे ये। फिर नीचे वाले देख लो, अब हम कहें मैं एक सेब खा चुका हूँ, लेकिन सही कोई भी बोलेगा तुम लोगों, चाहे दो खा लो बोलोगे एक ही तुम है। तो सुनो, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। अगर हम कहें हम एक सेब खा चुके हैं या हम लोग एक सेब खा चुके हैं, तो क्या बनाएंगे, वी हैव ईटन एन एप्पल, समझ आया सबके, हम एक सेब खा चुके हैं या हम लोग एक सेब खा चुके हैं। अगर हम कहें तुम एक सेब खा चुके हो, अब तुम्हें नहीं मिलेगा है? तुम एक सेब खा चुके हो, तुम क्या बोलेंगे, यू हैव ईटन एन एप्पल। इसी तरीके से वे लोग या वे एक सेब खा चुके हैं, बहुत से लोग हैं, तो बोलेंगे दे हैव ईटन एन एप्पल, आया सबके, इस तरीके से बनेंगे सेंटेंस। ये तो हो गए पॉजिटिव वाले, कौन से हो गए, अब आ जाए तुम्हारे निगेटिव वाले, क्या आ जाए, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट और लग जाएगी, क्या लग जाएगी, यहाँ पर इसके साथ नॉट लग जाएगी। अब देखो मैं बोल रहा हूँ वह एक सेब नहीं खा चुका, कैसे बनाएंगे, वह एक सेब नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन एन एप्पल, वह एक सेब नहीं खा चुका है। इसी तरह सी हैज नॉट ईटन एन एप्पल, वह नहीं खा चुकी एक सेब, तो नॉट लग जाती है, ये आ जाएगा इसमें से आई के साथ आएगा, आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँ। अगर जी में इस्तेमाल करेंगे वी हैव नॉट ईटन एन एप्पल, यू में करेंगे यू हैव नॉट ईटन एन एप्पल, और दे हैव नॉट ईटन एन एप्पल, नहीं वाले हैं ये, भैया जो सबके आ गए, ये हो गए तुम्हारे कौन से हो गए, निगेटिव वाले सेंटेंस। अब आ जाए मान लो इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, मान लो